हेलो दोस्तों, हमारे वंडरफुल फैक्ट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ अद्भुत तथ्यों के बारे में। इन तथ्यों को जानने के लिए हमारी वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर एक, बिल्ली के रास्ता काटने पर लोग घर को वापस क्यों लौट जाते हैं? आपने देखा ही होगा, जब किसी की रास्ता बिल्ली काट देती है तो लोग घर को वापस लौट जाते हैं। लोगों का मानना है कि बिल्ली को पहले पता चल जाता है कि आपके साथ कुछ गलत होने वाला है, इसलिए बिल्ली रास्ता काट के संकेत देती है। लेकिन वैज्ञानिक ऐसी घटनाओं पर विश्वास नहीं करते। लोगों की तमाम ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी जो आपको इसको मानने पर मजबूर कर देंगी। नंबर दो, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और मिलिट्री फोर्स के साथ कुत्ता क्यों रहता है? दोस्तों, आपने देखा होगा कि CBI हो या इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CID हो, मिलिट्री डिपार्टमेंट हो, इनके साथ एक कुत्ता जरूर रहता है। दोस्तों, आपके जहन में एक क्वेश्चन पुटअप होता होगा कि आखिर ये कुत्ता क्यों रखते हैं, जबकि टेक्नोलॉजी जमीन से आसमान छू रही है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कुत्ता हमारे पुरापाषाणकालीन पूर्वज भी पालते थे। वो इसका उपयोग शिकार करने के लिए करते थे। वो जानते थे कि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार सूंघने की क्षमता कुत्ते की सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए वो सुनकर एविडेंस इकट्ठा करने में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की मदद करते हैं। नंबर तीन, चींटियां एक लाइन में ही क्यों चलती हैं? दोस्तों, चींटियों की आंखें नहीं होती। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, देख नहीं सकती चींटियां। आप सोच रहे होंगे जब चींटियां देख नहीं सकती तो एक लाइन में कैसे चलती हैं। दोस्तों, चींटियां एक स्मेल छोड़ती चलती हैं। इस स्मेल की मदद से चींटियां एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। नंबर चार, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े मधुमक्खी छत्ते में कितनी मधुमक्खियां अंडे देती हैं? मधुमक्खी छत्ते की बात करें तो सिर्फ एक रानी मक्खी होती है जो सिर्फ अंडे देती है। ये अंडे 1,000 से 3,000 डेली देती है। नंबर पाँच, क्या आप जानते हैं कि एक सुई समुद्र में डालने से डूब जाती है, मगर एक जहाज तैरता रहता है? दोस्तों, लोगों को इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण नहीं पता होता है, तो वो अक्सर सोचते रहते हैं कि ये कैसे होता है। ये इसलिए होता है कि सुई अपने भार के बराबर पानी को हटा नहीं पाती, जबकि जहाज में लगे पंखे के द्वारा अपने भार के बराबर पानी हटा लिया जाता है, इसलिए वह जहाज तैरता रहता है और सुई डूब जाती है। नंबर छः, चांद से पृथ्वी पर देखने पर सिर्फ चीन की दीवार दिखाई देती है, यह इतनी चौड़ी है कि इस पर दो ट्रकों को एक साथ निकाला जा सकता है। नंबर सात, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत का कौन सा न्यायाधीश था जिसने 19 वर्ष तक सिर नीचे करके और पैर ऊपर करके न्यायालय में मुकदमे की सुनवाई की थी? इनका नाम गोसेन था। ये मणिपुर की राजधानी इम्फाल के न्यायालय के न्यायाधीश थे, जिन्होंने 1852 से 1871 तक सिर नीचे और पैर ऊपर करके मुकदमे की सुनवाई की थी। नंबर आठ, राजस्थान में ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी नामक देवता की पूजा की जाती है। नंबर नौ, भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी जिसका निर्माण सन 1913 में किया गया था। नंबर दस, दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी सोवियत संघ रूस में पाया जाता था जिसका नाम उकाव पक्षी था, जो हाथी जैसे विशाल जानवर को लेकर अपने पंजे में दबाकर उड़ जाया करता था। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लाने वाले हैं ऐसी ही अनेक इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियो जो आपके जनरल नॉलेज को बढ़ाएंगी। जय।